नीति आयोग में नीति से संबंधित और योजनाओं से संबंधित मसले पर राज्य सरकार की तरफ से पूरा अपना व्यू रखा जाएगा। अब जैसे केंद्र की योजना, तो हम लोगों का एक व्यू है जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको बंद करना चाहिए। अगर कोई स्कीम हो तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होनी चाहिए सेंटर की तरफ से, यानी सेंटर पूरे देश में अगर कोई स्कीम चलाना चाहता है तो सेंटर का ही स्कीम। और ये सब बात हम लोग जो ये वित्त आयोग है उसके सामने भी हम लोगों ने रखा, और हर राज्य की अपनी अपनी स्कीम्स होती है। अगर आप मान लीजिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लगा दी, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का फायदा लेना है तो उसमें भी 40% या 50% राज्य को देना है। तो एक व्यू है, नीतिगत विचार है हम लोग, इसको लेकर हम कहते रहे। और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तब भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की संख्या को घटाने में हम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम से कम करना चाहिए। तो ये सब एक बात है, नीतिगत विषय है, एक वैचारिक सब लोगों का अपना अपनी धारणा होती है कि विकास का क्या तौर तरीका है। और एनडीए की बैठक में भी हमने केंद्र में रखा, राज्य जो पिछड़े हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए अगले 5 वर्ष, ताकि वो पिछड़ेपन से उसको छुटकारा मिल जाए और वह भी विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाए। विमेन एम्पावरमेंट पर हमने बात कही, तो कुछ बातें हम लोगों की है जिसको हम लोग कहते रहते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है, पहले योजना आयोग की मीटिंग या उसके अलावे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता था, उसमें भी अपनी बात रखते थे। और अब अगर नीति आयोग की बैठक में कुछ बात होगी जो उनकी तरफ से भी कुछ बातें हैं और हम लोगों की तरफ से भी जो अपना विचार है सबको रखेंगे, लिखित भी प्रस्तुत करेंगे। और जैसा हमने बताया कि समय तो ज्यादा नहीं होता है कि आप लंबा बोलते रहिए, तो सीमित कुछ बात रख भी दिया जाता है।